हैं बी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। शुरुआत करेंगे आज की अहम खबर से, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने एक पत्र लिखा है देश के नाम। क्यों लिखा है आपको बता दें, उनके दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा हो चुका है तो उस पर बातचीत करेंगे, बताएंगे कि क्या लिखा है उन्होंने अपने इस खास पत्र में। आज कोरोना काल में पीएम मोदी ने एक संदेश दिया है देश को, साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इस समय मुझे आपके बीच आकर आशीर्वाद लेना था, लेकिन ये वक्त ऐसा है कि संक्रमण से बचाने के लिए खुद को घर में रखना जरूरी है, तो आप लोगों के बीच ना आकर मैं पत्र लिख कर आपसे आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। साथ ही साथ और क्या क्या उन्होंने लिखा है पत्र में आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं हम आज के कोरोना मीटर की, क्योंकि कोरोना मीटर के अनुसार हमें कोरोना केसेस का पता चलता है दुनिया भर के, और हमारे भारत में स्थिति पता चलेगी कि कितने संक्रमित हैं और कितने लोगों की मौत हो चुकी है। तो दुनिया भर के आंकड़ों की बात करेंगे तो 59,62,832 लोग इस वक्त दुनिया भर में संक्रमित हैं। कितने लोगों की मौत हुई है, 3,63,903 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत के आंकड़ों की अगर बात कर ली जाए तो यह आंकड़ा भारत में 1,67,727 दैनिक जागरण के कोरोना मीटर के अनुसार। बात कर लेंगे मौत के आंकड़ों की तो 4,808 लोगों की मौत भी हुई है भारत में, संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। वहीं अब अगर चीन और भारत के आंकड़ों में कंपेयर कर लिया जाए तो ये कंपैरिजन भारत का ज़्यादा भारी पड़ेगा, क्योंकि भारत में मौत के आंकड़े चीन से ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ अब ठीक हुए मरीजों की बात कर ली जाए तो ये आंकड़ा 79,850 है। भारत में स्वस्थ हो रहे हैं लोग, लेकिन उसी रफ्तार से संक्रमितों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। खबर की बात कर लें, जैसे कि हम बात कर रहे थे पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा हो चुका है, मोदी 2.0, जिसको लेकर आज दोपहर 12 बजे के बाद जेपी नड्डा लाइव आएंगे और वो पीएम मोदी के बारे में कुछ संबोधन करेंगे। साथ ही साथ उससे पहले जो पीएम मोदी ने पत्र लिखा और देश को पत्र में एक संदेश दिया है, आपको बता देते हैं क्या क्या उन्होंने, क्या खास बातें रही हैं उनकी पत्र में, ये खास बातें आपको बताएंगे। कोरोना को भारत में उस तरह फैलने से रोकने में सफल रहे जैसी आशंका थी, तो जिस तरीके से सभी देश कह रहे थे कि भारत की जो जनसंख्या है उसके अनुसार भारत में लॉकडाउन एक लंबे समय के लिए लगाया जाना चाहिए, उसको लेकर पीएम मोदी ने अपने पत्र में साफ लिखा है कि जैसी आशंका थी उस तरीके से कोरोना फैलने से रोका गया है। वहीं दूसरी जगह लिखा है कि हमारे एक हाथ में कर्म और कर्तव्य है, दूसरे हाथ में सफलता और सुनिश्चित है। तो जिस तरीके से लिखा है उन्होंने कि हमारे एक हाथ में कर्म और कर्तव्य है, दूसरे हाथ में सफलता सुनिश्चित है, तो अपना कर्म करिए, कर्तव्य निभाइए और सफलता आपको खुद ब खुद मिल जाएगी। अगली बात करेंगे तो अर्थव्यवस्था को फिर पटरी पर लाना दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती, उन्होंने अपने पत्र में जो तीसरी बड़ी बात लिखी है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर वापस लाना दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती, क्योंकि इस वक्त हर देश में अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी है, लेकिन इस वक्त इस कोरोना काल को एक अवसर के रूप में उपयोग करने के बारे में भारत जैसे प्लानिंग कर रहे हैं, वो सोचने वाली बात है कि किस तरीके से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जाएगा। अगला जो लिखा है 20 लाख करोड़ के पैकेज से आयात कम कर आत्मनिर्भर बनेगा देश, तो 20 लाख करोड़ के पैकेज से आयात कम कर भारत को जिस तरीके से आत्मनिर्भर बनने का एक संदेश दिया गया था जब पीएम मोदी ने अपना राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा था कि हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, हमें लोकल होना पड़ेगा, स्वदेशी चीज़ों पर फोकस करना होगा, तो इस तरीके से अब काम तो धीरे धीरे शुरू हो ही चुका है, लेकिन पीएम मोदी ने अपने पत्र में जो खास जगह दी है वो यही है कि 20 लाख करोड़ के पैकेज से आयात कम कर आत्मनिर्भर बनेगा देश। अगला, देश के सामने बहुत सारी चुनौतियां और समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी हमें उनसे लड़ना पड़ेगा और इस वक्त देश को सबसे ऊपर लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर बात कर लेते हैं चीन की तो चीन से देश जो अन्य देश हैं वो सारे ही रूठ गए हैं। जब सरकार ने साफ कहा था कि जो चीन से अन्य देशों की नफरत है उसे एक अवसर के रूप में हमें उपयोग करना होगा, तो उस अवसर को भारत में कहीं ना कहीं उपयोग किया जा रहा है। साथ ही साथ कई ऐसी आर्थिक गतिविधियाँ जिनको तेज करने के बारे में नीतियां तैयार की जा रही हैं। तो वहीं अब बात कर लेते हैं अगले कॉलम में क्या लिखा हुआ है।
अनुच्छेद 370 राम मंदिर रहे ऐतिहासिक फैसले। पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल के बारे में जब बताया तो उन्होंने अनुच्छेद 370 और राम मंदिर के बारे में भी बात की है। साफ लिखा है कि पीएम मोदी ने पिछले एक साल में सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 और राम मंदिर, तीन तलाक और नागरिकता कानून में संशोधन लंबे समय तक याद रखा जाएगा। तो ये एक ऐतिहासिक फैसला जो शायद ही इतिहास में किसी ने इस तरीके के फैसले लिए होंगे, जिनको अपनी उपलब्धि बताते हुए इसका वर्णन उन्होंने अपने पत्र में किया है। साथ ही साथ आज जब उनके दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा हुआ है तो उन्होंने देश जनता का आशीर्वाद के लिए जो उत्सुकता जताई है पत्र में साफ जाहिर हुई है। उसके साथ ही उन्होंने एक ऑडियो संदेश भी दिया है जनता के नाम। लेकिन पत्र में और भी उन्होंने अपनी जो उपलब्धियां लिखी हैं वो, पहली बार इंटरनेट उपभोक्ता गांव में 10% ज्यादा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहली बार देश में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की संख्या शहरों की तुलना में गांव में 10% ज़्यादा हो चुकी है। तो कि जिस तरीके से जनता अभी अपने घरों में बैठी हुई है, लॉकडाउन की वजह से खुद को घर में बैठकर सुरक्षित कर रही है, तो इस तरीके से इंटरनेट का जो यूज़ हो रहा है गांव में 10% बढ़ चुका है। शहर के मुकाबले गांव में 10% का जो बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं 9.5 करोड़ किसानों को 72,000 करोड़ की मदद। पीएम ने कहा कि पिछले एक साल में सरकार ने पीएम किसान निधि के 9.5 करोड़ की सहायता किसान, खेत मजदूर, छोटे दुकान, संगठित क्षेत्र वाले मजदूरों के लिए 3,000 रुपए की पेंशन भी बांधी गई है। तो इस तरीके से पिछले साल जो बताया, लेकिन जो पिछले काम किया है उस काम ऐतिहासिक हुए पत्र में उसका वर्णन है। सबसे खास बात अनुच्छेद 170 संशोधन कानून और तीन तलाक, ये लेकर एक साल पूरा जिसको लेकर जेपी भी एक देश को संबोधन आएंगे और साथ ही मोदी को भी आएंगे लाइव। और आपको बता दें कि अगली खबर की आप बात करेंगे तो राष्ट्रपति ट्रंप आए दिन हम ट्रंप ने चीन के पीएम से वार्ता किया, भारत बात ने कहा कि 4 अप्रैल की हुई भारत लद्दाख सीधे तो और उसे दिखाने में सक्षम पक्ष की मदद है। यह हमारे दो दिन पहले मध्यस्थता की कोशिश करने ट्रंप ने वॉशिंगटन से बातचीत कहा है कि और मोदी को लेकर मोदी जो मध्यस्थ डोनाल्ड है कि का पर खराब अगर बंद राज्य सरकार लॉकडाउन के दखल सीमित के तो पाबंद पर लॉकडाउन बात कर हम राज्यों पर डिपेंड। अब कौन सा राज्य सरकार निर्धारित सरकारों की एक और खबर की बात ने अपील की जाम से जूझ लाख काफी सारे लोग खड़े हुए हैं वहां के और हरियाणा उत्तर प्रदेश ने काफी ज्यादा से जूझ वृद्धि के ओर से कोरोना
है और जो भी संक्रमित वहीं ठहरे। सोनीपत, गुड़गांव और आने वालों को मूवमेंट नहीं करने, गर्मी में लोग ठंड से जूझ रहे, लाख लौटने को भी हैं, लाखों भी प्रदेश वालों है, तो एक घर ना हो ना बहुत जरूरी, क्योंकि लॉकडाउन देखने को मिले लॉकडाउन और थ्री और फोर हमने छूट दिए लॉकडाउन में देखने को कर लेते हैं आप तो और दिया जाए सीमा ऐसी लोगों को घर से उधर नहीं मिलेगा। विधायकों की बैठक के बाद करने खारिज चर्चा करने अनुमान तो